बस ये था कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अंदर आएंगे तो ये इतनी कमर मटका मटका कर नाच रही होंगी। और वो जो मेरी दुकान पे काम करता है टन टन पंचम, अरे छू भी है ठीक है ना, तो वो इतना रो रहा था मेरे सामने कि अरे ये, और क्यों रो रहा था यही नहीं, ये कह रहा है कि मैं वो शर्मा के आके वो जो घाघरे में गोटे लगते हैं ना वो नहीं ला पाया इसलिए रो रहा हूँ। अंदर आके क्या नाच रहा था वो, और ये भी, ये बहुत बड़ी वाली है। अरे वो मुझे डांस करना सिखा रहा था इलायची के पापा। इन्हें डांस करना सिखा रहा था या तुम सिखा दोगी सबको डांस करना? आज का सीन करके बहुत अच्छा लगा। हाँ। काफी पसीना बहाया है हमने। हाँ। काफी मेहनत की है और हमारी मेरे ख्याल से 2-3 दिन से इस डांस की प्रैक्टिस चल रही थी। हम लोग काफी इस पर प्रैक्टिस कर रहे थे और ये काफी परेशान थे कि कैसे होगा। मैंने कहा डोंट वरी सब हो जाएगा, मैं हूँ। तो ये बोली चलो आप हो तो फिर मुझे टेंशन नहीं है। अनुप जी ने काफी हिम्मत बढ़ाई जिसकी वजह से मैं परफॉर्म कर पाई और फिर इन्होंने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लोग, पूरी यूनिट हमारी काफी खुश है और आप भी शायद काफी खुश थी, आप वहाँ खड़ी थी शायद, है ना? हाँ, तो आप आपकी जो डॉटर है इलायची, उनको उनको क्या हुआ है जो आप मना कर रही है, ये सीक्रेट कभी एपिसोड में देखने को मिलेगा। किस चीज के लिए मना कर रहा हूँ? उसे पंचम मना कर रहा है डांस करने के लिए। पंचम मना कर रहा है डांस करने के लिए, क्योंकि क्या है हुई है प्रॉब्लम बताओ जरा। कुछ है राज जिसकी वजह से उसको मना किया जा रहा है डांस करने के लिए या ज्यादा एक्टिविटीज के लिए मना किया जा रहा है। तो इसका राज तो टेलीकास्ट, लास्ट टेलीकास्ट के ही पता चल पाएगा कि इस स्टोरी के लास्ट में ही बता पाएंगे कि क्या है। ओके मैम, थैंक यू सर, वेलकम।